चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग हैं जो झूठे दावे झूठे वादे करते हैं और जब 5 साल के बाद उनको जवाब देने का समय आता है तो वायदों से मुकर जाते हैं। ये कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस की पहचान वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार है। जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अब जब वे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इतना नीचे गिर गए हैं और अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कई घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं और 17 नवंबर को उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता का जवाब देना होगा। इसके बाद वे जेल जाएंगे और अदालत में भी जवाब देना होगा। कुछ लोग हैं जो झूठे दावे झूठे वादे करते हैं और जब 5 साल के बाद उनको जवाब देने का समय आता है तो वादों से मुकर जाते हैं। ये कांग्रेस की पहचान है। जहां परिवारवाद भ्रष्टाचार वहां कांग्रेस की सरकार। और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता को कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही तो ओछी हरकतों पे उतर आई है, ऐसे बयानों पे उतर आई है। लूट की खुली छूट छत्तीसगढ़ में, महादेव ऐप घोटाला, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला और युवाओं को छलने वाला पीएससी घोटाला, युवाओं के साथ जो अत्याचार किया, छत्तीसगढ़ का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने ना बेरोजगारी भत्ता दिया ना रोजगार दिया, और मिला तो केवल कांग्रेस के नेताओं को, अधिकारियों के बच्चों को मिली भगत के साथ सरकारी नौकरी। तो छत्तीसगढ़ के युवा में आक्रोश भी है और तख्ता पलट करने की तैयारी भी है। बघेल जी लगे रहे कमाई करने में और छत्तीसगढ़ की जनता को लगा भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। ये मोदी जी का कहना है कि राहुल गांधी मोदी के सरदार हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने की आदत नहीं, जिनको जो कागज दे दिया जाए वो जाके पढ़ देते हैं। भाई बहन आजकल यही करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ तक तो प्रियंका जी से कहा नहीं गया, जो यही नहीं जानते कि MSP क्या होता है वो क्या करेंगे। और राहुल जी तो बिल्कुल अनाप शनाप झूठी बयानबाजी करते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अब जो काम ऐसे करेगा वो क्या कहा जाएगा। मनीष सिसोदिया का देखिए, संजय सिंह का देखिए और अब भूपेश बघेल का देखिए। मैं केवल इनके भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, इसके साथ साथ ये जाति पे कैसे आ जाते हैं जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। महादेव ऐप घोटाले में 508 करोड़ की सीधी घूस लेने के बाद जब चेहरा छिपाए घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुरझा गए हैं, चेहरे से रौनक चली गई है, घबराहट है, बौखलाहट है, उस हालत में भूपेश बघेल जी का यह बयान देना जाति पे आना साफ दिखाता है कि ये जाने वाले हैं। 17 को जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा भूपेश बघेल को और उसके बाद सलाखों के पीछे रहकर देश की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। ये एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामले में भूपेश बघेल जी का हाथ साफ नजर आता है। कैसे छत्तीसगढ़ को लूट के अपनी और अपने आकाओं की यानी कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की तिजोरियां भरी, अब छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी। क्या भविष्य में